जब जब अपने देश का तिरंगा लहराता हुआ दिखाई देता है तो हम सबके अंदर एक अलग सी एनर्जी हम सभी फील करते हैं। जब तिरंगा फहराया जाता है तो हम सबके अंदर प्राउड फीलिंग भी रहती है। लेकिन ये भी एक फैक्चुअल चीज़ है कि हम में से बहुत सारे लोगों को हमारे देश के तिरंगे से जुड़े हुए नियमों के बारे में नहीं पता है। तो इस वीडियो में हम आपको तिरंगे से जुड़े हुए सभी नियमों के बारे में बताएंगे जो एक भारतीय होने के नाते आप सभी को पता होना चाहिए। मेरा नाम शशांक याग्निक है और आप इस समय खबर बेबाक देख रहे हैं। वीडियो शुरू हो उससे पहले आप सबसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट, ये वीडियो अगर आपको लाइक ना कर रहा हो तो आप प्लीज़ बिल्कुल भी मत कीजिएगा, लेकिन एक भारतीय होने के नाते आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि बीइंग एन इंडियन हम सबको तिरंगे से जुड़े हुए सारे नियम पता होने चाहिए। तिरंगे को कभी भी ज़मीन पर नहीं रखा जा सकता, हमें झंडे को कभी भी झुकाया नहीं जाता है, सरकारी आदेश के बाद ही तिरंगे को झुकाकर फहराया जा सकता है, झंडे को कभी भी पानी में नहीं डुबोया जा सकता, तिरंगे को किसी भी तरह से नुकसान पहुंचाना गैर कानूनी है, झंडे के किसी भी भाग को जलाने, नुकसान पहुंचाने या फिर अपमान करने पर जेल भी हो सकती है। देश के झंडे का एक तय आकार है, तिरंगे की चौड़ाई 90 सेंटीमीटर और तिरंगे की लंबाई 60 सेंटीमीटर होती है। तिरंगा फहराते समय केसरिया रंग सबसे ऊपर होना चाहिए, नीचे की तरफ करके तिरंगा फहराना गलत है। कभी भी फटा या मैला कुचला तिरंगा फहराया नहीं जाता है। झंडा फट जाए या मैला हो जाए तो उसे एकांत में नष्ट करना चाहिए। झंडे पर किसी भी तरह के अक्षर नहीं लिखे होने चाहिए। खास मौकों और राष्ट्र दिवसों पर जैसे कि गणतंत्र दिवस या फिर स्वतंत्रता दिवस के मौके पर झंडा फहराए जाने से पहले उसमें फूलों की पंखुड़ियां रखने में कोई आपत्ति नहीं है। किसी दूसरे झंडे या पताका को राष्ट्रीय झंडे से ऊंचा या उससे ऊपर या उसके बराबर नहीं लगाया जा सकता। जब भी आपके आसपास तिरंगे के किसी भी नियम का अगर पालन नहीं हो रहा है तो प्लीज़ आप अपनी आवाज़ ज़रूर उठाइएगा और कोशिश कीजिएगा कि इन सभी नियमों का पालन हो। फिलहाल अभी इस वीडियो में इतना ही है, लेकिन अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो उसको प्लीज़ शेयर ज़रूर कीजिएगा, और अगर इस तरह के इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ आपको पसंद है तो आप जल्दी से खबर बेबाक को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस तरह के वीडियोज़ हम लोग आपके लिए लेकर के आते रहते हैं। जय हिंद।